रही है ड्राई फिश, जिसको हम लोग बंगाली में कहते हैं चूना माछ और हिंदी में चूना मछली। तो इसकी स्मेल तो खैर अच्छी लग रही है, स्मेल उसकी बहुत अच्छी है। तो अभी वो इसको मैरिनेट करेगी, है ना। हाँ, तो अभी आपको दिखाता हूँ। पापा लेटे हुए हैं, थम्मा बैठी हुई है। हाँ, और पापा आज लाए हैं मीठा पान, रही है पान नहीं है, काजू बर्फी जैसे, जो कि खाने में एकदम टेस्टी है, एक टाइप का पान है, मीठा पान। और हाँ गाइस, साथ में बुआ ने ये होममेड टेस्टी केक बनाया है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मैंने भी इसको खाया है, थोड़ी देर पहले खाया था, बहुत टेस्टी है और बिल्कुल होममेड है। सो गाइस, चलते हैं किचन में। और हाँ, सो गाइस, ये है कच्चा पपीता, इससे आप क्या करोगी? इससे हम आज पेपे शिद्दो उबला हुआ पपीता खाएंगे, जो गरम गरम स्टीम राइस के साथ। अब हम इसको अंदर डाल रहे हैं कुकर में। ये कोई नहीं खाएगा, केवल ठम्मा, हम और भैया खाएंगे, दादा। और आज बना है प्याज आलू की सब्जी और मसूर दाल। अब इसमें बुआ ने पानी मिला दिया थोड़ा सा, ये केवल 2-3 सीटी में पक जाएगा, जो एकदम पका हुआ सिद्धो बोलते हैं। ये देखिए, इसमें केवल नमक और हल्दी, और इसमें कुछ नहीं पड़ा जाएगा, केवल ये भाजा, केवल भाजा हो गए भाजा। तो गाइस, यहाँ पे ये क्या है? आलू प्याज की सब्जी, जो पूरी पकी नहीं थी। अच्छा, ये पक रही है अभी, अब वो इसको मिला दे रही है। अभी आधा एक घंटे बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। अभी बुआ उसको आधे घंटे बाद फ्राई कर लेगी। ये है लौकीर घंटो। तो गाइस, अभी हम लोगों ने राइस कुकर में चावल डाल दिया है, चावल में पानी डाल दिया है, 2.5 कप में 5 कप चावल, 4-5 एक्स्ट्रा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी हम टमाटर डालेंगे, इसलिए हमारा पपाया बॉयल हो चुका है, तेल एकदम गर्म होने लगा है। पपाया को हम निकाल लेंगे। सारे पपाया को हम लोगों ने निकाल लिया है, इसमें से हम पानी निकाल लेंगे। पपाया का कलर बहुत अजीब हो चुका है एक्चुअली। ये रही हमारी ड्राई फिश, अब हम इसको फ्राई करके डाल देंगे। सो गाइस, हम लोगों का चूना फिश रेडी हो चुका है, और ये देखने में तो एकदम बहुत ही टेस्टी लग रहा है। अबू अब इसको और निकाल रही है, बहुत सारे हैं ना ये, आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है ये। और गाइस, और गाइस, अब थम्मा ऐसे खाने वाली है, ये देखिए। गाइस, लेट्स आई थिंक दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो कम सून, टिल देन बाय बाय। या